विल गेट टू स्पॉटिंग आपको कल को कुछ चाहिए तो यू कैन गेट दैट। हां अभी तो मैंने कहा था मम्मी लो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में बेटा हमारा पहला सवाल पार्टनरशिप किसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप किसको कहते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप के फीचर्स। पार्टनरशिप किसको कहते हैं इतने इंपॉर्टेंट है ही, पार्टनरशिप के फीचर्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। What do we mean by partnership? Partnership is an agreement between two or more persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or by any of them acting for profit. क्या important बातें थी इसको? पहला, two or more persons. क्या partnership में दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए? क्या आप खुद से partnership कर सकते हैं? राघव ने कहा मैं राघव सैनी से partnership कर रहा हूं, नहीं कर सकता। मैं राघव अपनी आत्मा से पार्टनरशिप कर रहा हूं, मैं और मेरी आत्मा दो अलग अलग एंटिटीज हैं। क्या ये हो सकता है? क्या आप अकेले पार्टनरशिप कर सकते हैं? क्या आप अकेले शादी कर सकते हैं? अगर आप अकेले शादी नहीं कर सकते तो पार्टनरशिप तो भूल जाओ, ठीक है। क्या आप अकेले शादी कर सकते हैं? नहीं मैं खुद से शादी कर रही हूँ, फिर ऐसे की बात नहीं पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ना। फेरा लिया एक ने खुद से करी है बेटा, मैंने पेड़ों से कुत्तों से शादी करते सुना है, खुद से शादी करते मैंने नहीं करी, खुद से। तो फिर फेरे कैसे लिए? और वहां पे वो जो आई डू बुलवाते हैं आई डू और फिर आई डू होगी शादी। सो मतलब सिंगल मेहरबानी करो पढ़ाई पे। पार्टनरशिप में आपके पास सबसे पहले दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए, अगर दो या दो से अधिक लोग नहीं तो पार्टनरशिप, उनके बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट किसको कहते हैं? When two or more person agree on the same thing at the same time in the same sense. Repeat. When two or more persons agree on the same thing at the same time in the same sense. Same चीज पर अग्री करें। For example, आप किसी से घोड़ा खरीदने गए, वो घोड़ा बेच रहा है, आप घोड़ा खरीद रहे, ठीक है। मगर वो घोड़ा बेच रहा था सफेद वाला और आपको लगा काला वाला बेच रहा है। जब उसने डिलीवरी दी घोड़े की तो वो सफेद घोड़ा आ गया आपके पास। आपने कहा यार मैंने तो काला सोचा था, ओ मुझे लगा आप सफेद मांग रहे। यानी वो दोनों एक चीज पर अग्री नहीं हो रहे थे, उनके बीच में अग्रीमेंट नहीं था। अग्रीमेंट क्या होता है? जब दो लोग सेम चीज पर सेम टाइम पर सेम सेंस में अग्री करें उसे हम अग्रीमेंट कहते हैं। मेरे पास तीन गाड़ियां हैं। इशिका ने कहा सर मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहती हूँ, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी। मैं कहा बोले बोले मेरी वो 2 लाख की नहीं बिक्री थी, मैं कहा तू 10 लाख की मेरे को दिया रहा है, तू पक्का गुप्ता है? हाँ मैं गुप्ता, ये ले गाड़ी। अब इसको कौन सी वाली उम्मीद थी जो 15 वाली आएगी 10 में, और मैं कौन सी वाली टिका रहा था 2 वाली 10। यानी हमारे बीच में अग्रीमेंट नहीं था। तो जब दो या दो से अधिक लोग सेम चीज पर सेम टाइम पर सेम सेंस में अग्री करते हैं उसे अग्रीमेंट कहते हैं। तीसरा, पार्टनरशिप में बिजनेस का होना बहुत जरूरी। बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए होती है बेटा, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए होती है। एक उदाहरण देता हूं, दो लोग हैं अजय सिंह एंड विजय सिंह, दो लोग हैं अजय सिंह और विजय सिंह। अजय सिंह और विजय सिंह ने एक बिल्डिंग खरीदी, उस बिल्डिंग में दोनों ने 50-50 लाख रुपए डाले, 1 करोड़ रुपए हो गया। उस बिल्डिंग का किराया आ रहा है 50,000 रुपए, 25,000 रुपए अजय सिंह ले जाता है, 25,000 रुपए विजय सिंह ले जाता है। पार्टनरशिप नहीं है क्योंकि बिल्डिंग की ओनरशिप इज को ओनरशिप नॉट द बिजनेस। वो बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस नहीं है। इन लोगों के बीच में बिजनेस का होना बहुत अनिवार्य है। देन प्रॉफिट
प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए पार्टनर्स के बीच में। अगर प्रॉफिट नहीं शेयर कर रहे हैं तो भी बिजनेस नहीं है, तो भी पार्टनरशिप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नुपुर को कहा, नुपुर पार्टनर बनेगी मेरे, नुपुर बोले बोले वाह हमारे, आई एम योर पार्टनर। मैंने कहा अच्छा ठीक है बेटे, तू टेंशन मत लियो प्रॉफिट की, तू 10-20 हजार रुपए जो महीने के चाहिए मुझसे ले जाइए। ये कोई पार्टनरशिप थोड़ा हो, ये तो मैंने फिर इसको एम्प्लॉय रखा है और मैं एम्प्लॉयर हो गया। अगर मैं आपको 10-20 हजार रुपए कह रहा हूँ, होना क्या चाहिए कि जो प्रॉफिट होगा हम आपस में बांट लेंगे, है ना? So that should be there, the partnership should be there with the profit sharing ratio. And next is mutual agency. हमारे बीच में mutual agency होनी चाहिए, हम एक दूसरे के agent होने चाहिए। Partnership is an agreement between two or more persons who have agreed to share profits of business carried on by all or by any of them acting for all. इसका मतलब क्या है last line का? मान लीजिए मैं और आस्था पार्टनर हैं, मैं आस्था और नुपुर तीन लोग पार्टनर हैं। अब मेरे को कोई क्लाइंट मिला जहां बिजनेस मुझे दे सकता है, मैं गया बिजनेस लेकर आया, जब मैं बिजनेस लेने गया तो मैं क्या बन गया? एजेंट। इस पार्टनरशिप का क्या बन गया? एजेंट। एज एन एजेंट पार्टनरशिप में बिजनेस लेने गया और बिजनेस लेकर आया। कल को आस्था को कोई क्लाइंट मिल गया, ये बिजनेस लेने चली गई, तो ये एजेंट बन गई। एजेंट कौन होता है? जो किसी के बिहाफ पर काम करे। एजेंट किसको कहते हैं बेटा? जो किसी के बिहाफ पर कोई काम करे उसे एजेंट कहते हैं। तो यहाँ म्यूचुअल एजेंसी हो गई कि नहीं हो गई? आ गई म्यूचुअल एजेंसी। तो ये चीजें जरूरी है एक पार्टनरशिप के लिए। दीज आर दी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पार्टनरशिप। आर यू गेटिंग ऑनलाइनर? ये कहा कि एक तो आपकी ये म्यूचुअल एजेंसी हो गई, ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दी पार्टनरशिप डेफिनेशन होते हैं। तो पार्टनरशिप के डेफिनेशन में जरूरी है, मैं अब आपसे कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं रिलेटेड टू फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, टू रिंग्स। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स में बेटा ये तो आएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग होगी, मिनिमम दो लोग होंगे, है ना, मैक्सिमम 50 लोग होंगे, पहले 20 होते थे अब मैक्सिमम 50 लोग होंगे, है ना, अग्रीमेंट होगा, लॉफुल बिजनेस होगा। और एक चीज जो रह गई उनके अलावा वो है अनलिमिटेड। बेटा हमने कंपनी के केस में पढ़ा था कि उसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी जितना आपका शेयर्स में पैसा लगा हुआ है ज्यादा से ज्यादा वो डूबे। लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप में नुकसान हुआ, आप पार्टनर हैं, पार्टनरशिप में नुकसान हुआ, तो वो नुकसान आपके घर के बर्तन भांडे कपड़े सब जाएंगे बेटा, ध्यान रखना। कुछ एक दो जोड़े अपने छुपा लेना, क्योंकि ये ना हो क्रेडिटर वो कपड़े भी ले जाएगा तब, ध्यान रखना बेटा। बहुत मुश्किल होगी, पत्ते बांध के घूमना पड़ेगा, उसे अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। इतनी अनलिमिटेड है कि आपको पत्ते अखबार ये बांध के घूमना पड़े, पता चला आप अखबार बांध के घूम रहे, लोग रोक रोक के पढ़ रहे हैं न्यूज कि भाई मैं चाय पीने रहकर आके खड़ा हो जाऊं। तो वो वाला काम आप ना करें, आप अपनी लायबिलिटी को अनलिमिटेड होगी तो सब कुछ चला जाएगा बेटा, बचा लेना। पार्टनरशिप डीड वहां भी तो लोग अखबार पढ़ते हैं जहां जाएगा, अखबार तो हर जगह काम आती है। तो अच्छा रोज की नई अखबार पहनना बेटे, जैसी अखबार आए किसी ना किसी के घर के बाहर से उठा लेना, कपड़े का काम तेरा चलता रहेगा, ठीक है? बस स्टेपलर पिन चाहिए, ऐसे यहाँ से स्कर्ट बना लेना, ऊपर से रैप अराउंड बना लेना, बस बन गई तेरी बात, टू पीस में घूमेगा। पार्टनरशिप डीड किसको कहते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड इज बेसिकली एन अग्रीमेंट, जिसको अग्रीमेंट बोलते हैं वही पार्टनरशिप डीड है। अच्छा आपको ये बता दूं कि पार्टनरशिप डीड का रजिस्टर होना जरूरी है। There is no necessity कि आपकी पार्टनरशिप डीड हो, और वो भी तो रजिस्टर्ड, पार्टनरशिप डीड का होना कंपलसरी नहीं। तो अगर डीड नहीं है, इन केस देयर इज नो डीड, तो फिर कौन से रूल्स आपके एप्लीकेबल हैं? पहला, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो पहला रूल नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड नो इंटरेस्ट ऑन। किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे नहीं, किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब पार्टनर्स की
equal one. Third, no salary, no commission. Na salary denge, na commission. Interest on loan at 6% per annum. For loan by partner to firm. लास्ट क्या था याद दिलाओ जल्दी से, इनके अलावा और क्या था? नो आईडी हो गया, और क्या था? कुछ भी नहीं था, चार थे, पांच थे, पांच रूल थे ना, देखो इसमें भी लिखे हैं पांच रूल। ओहो आईओसी और आईओडी कहते जी एक साथ लिख दिया, चलो ठीक है, ये पांच रूल। एक चीज है जो आजकल मैंने किताबों में देखी है, नो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल, सबके कंसेंट के बिना किसी और नए पार्टनर को आप एडमिट नहीं कर सकते। वैसे तो ये गोज विदाउट सेइंग, ये बिना कहे भी चलता है, लेकिन हमने फिर भी इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। नाउ अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से रूल एप्लीकेबल, एक बार देखें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कमीशन हम नहीं देने वाले, ठीक है। हम पार्टनरशिप शेयरिंग इक्वल होगी प्रॉफिट, सैलरी कमीशन नहीं देने वाले। इस रूल को ध्यान रखना, यहाँ आपको बेवकूफ बनाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एट 6% पर एनम फॉर लोन बाय पार्टनर टू फर्म है बेटा, फर्म टू पार्टनर नहीं, क्या है? बाय पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% पर एनम, भले ही कुछ भी मेंशन्ड है या नहीं मेंशन्ड। इज दैट ओके? गॉट इट? अब हम इनमें बात करते हैं बेटे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट मेथड और एक होता है शॉर्टकट या फिर एवरेज पीरियड मेथड। प्रोडक्ट मेथड में आईओडी इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12। टोटल प्रोडक्ट में ये, और इसमें IOD is total drawings, total product नहीं, total drawings into rate upon 100 into average period upon 12, right? अब यहाँ पर ये identify करना है कि ये method कब apply होएगा और ये कब apply होगा। ये method apply होगा जब even when drawings पार्टनर ने जनवरी में ड्रॉइंग करी, फरवरी में नहीं करी, मार्च में करी, फिर अगस्त में करी, और अमाउंट भी अलग अलग करा, तो ये मेथड चलेगा। लेकिन इस वाले में ये नहीं चलेगा, ये केवल तब चलेगा जब ड्रॉइंग जो होंगी वो इक्वल होंगी और रेगुलर होंगी। रेगुलर से मेरा मतलब है हर महीने, हर क्वार्टर, हर 6 महीने, तब जाकर ये मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में 1/12 क्यों आया था, क्या आप में से किसी को याद है? क्या आप मुझे याद दिला सकते हो ये 1/12 हम कहां से लाए थे? याद है आपको कहां से लाए थे ये 1/12? बाय वन, एक महीने का क्यों? हम कॉमन निकालते थे, जैसे जनवरी की ड्राइंग हुई तो ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 12 अपॉन 12, फरवरी की ड्राइंग हुई तो ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 11 अपॉन 12। तो हमने कौन सा वाला हिस्सा कॉमन लिया था? ये हिस्सा कॉमन ले लिया था पूरी कैलकुलेशन। तो यहां बच गया ड्राइंग इनटू 12 प्लस ड्राइंग इनटू 11 प्लस ड्राइंग इनटू 10 और बाहर बच गया r अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन
है बाहर ये बचता है तो इसी में ये 1/12 यहां पर है ये हिस्सा और ये टोटल प्रोडक्ट कैसे आ रहा है ड्राइंग इनटू 12 ड्राइंग इनटू 11 ड्राइंग इनटू 10 याद आया आपको कि नहीं याद आया और इसमें हमारे पास वो पूरा टेबल काम आता है कि अगर हमने बिगिनिंग में करी है ड्राइंग एंड में करी है अगर हमने हर महीने ड्राइंग करी है तो बिगिनिंग में 6.5 मंथ्स मिडिल में 6 मंथ्स एंड में 5.5 मंथ्स और अगर हमने हर क्वार्टर ड्राइंग करी है तो 7.5 मंथ्स 6 मंथ्स 4.5 मंथ्स अगर हमने हर 3 महीने ड्राइंग करी है तो 3 मंथ्स 3.5 मंथ्स 3 मंथ्स एंड 2.5 मंथ्स और अगर हमने हर 6 महीने में एक बार ड्राइंग करी तो 9 मंथ्स 6 मंथ्स एंड 3 ऐसे एक टेबल था इस टेबल के बनने का जो लॉजिक था वो एवरेज पीरियड का जो फार्मूला था वो क्या था पीरियड After first drawing plus period after last drawing divided by 2. Period after first drawing plus period after last drawing divided by 2. इससे हम ये निकालते हैं जैसे for example मैं आपको इस बात को समझाऊंगा अगर मान लीजिए आपकी drawings जो हैं हर महीने की बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर आपकी ड्राइंग है हर महीने की बिगनिंग में आप ड्राइंग करते हैं तो जनवरी 1 को आपने पहली ड्राइंग करी है और दिसंबर 1 को आपने लास्ट ड्राइंग जनवरी 1 को आपने पहली ड्राइंग करी और दिसंबर 1 को आपने लास्ट ड्राइंग करी ठीक है जनवरी 1 को अगर आपने फर्स्ट ड्राइंग करी है तो जनवरी 1 के बाद कितने महीने बचे हैं 12 और दिसंबर 1 को लास्ट ड्राइंग करी है तो 8 ये कितना हो गया 6.5 ये 6.5 ये जो हमने लिखा मान लीजिए आपने हर क्वार्टर ड्राइंग करी और हर क्वार्टर की बिगनिंग में तो पहला क्वार्टर अगर मैं जनवरी टू दिसंबर ईयर लेके चलूं तो पहला क्वार्टर जनवरी 1 और लास्ट क्वार्टर आपका होगा अक्टूबर 1 चार क्वार्टर होते हैं एक साल में जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर अप्रैल मई जून दो क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर तीन क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर चार क्वार्टर तो लास्ट क्वार्टर कब से शुरू हो रहा है अक्टूबर से तो अक्टूबर 1 तो पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 प्लस पीरियड आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3 डिवाइड बाय 2 7.5 ये 7.5 देगा ठीक है तो ये वाला टेबल जो था जो यहां पर एवरेज पीरियड लगना है ना ये एवरेज पीरियड वो यहां से आता है ये एवरेज पीरियड के लिए टेबल भी यूज कर सकते हैं अगर आपको टेबल याद रह जाए तो आपको फिर ये कैलकुलेशन नहीं करनी टाइम बचेगा और अगर टेबल ना याद रहे फिर तो मजबूरी है हमने क्वेश्चन ठीक करना जरूरी है जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन गलत नहीं करना नेगेटिव मार्किंग है वहां आपके मार्क्स माइनस होंगे अगर आपने गलत किया तो एक सही क्वेश्चन के मार्क्स भी एक आ जाए 0.25 आपके नेगेटिव मार्क्स हैं छात्र मन ठीक है तो अगर आपके नेगेटिव मार्किंग हुई तो आपने जो ठीक किया वो भी गलत ये मत करना आराम से करना मगर सही करें आराम से जितना आराम से करो ये जरूरी नहीं है कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही वैसे तो आप सारे कर लेंगे लेकिन सारे अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलत नहीं ठीक है टेक टाइम आराम से ध्यान से सोच समझ राइट चलो अब एक क्वेश्चन लिखिए जरा इसका अर्जुन अ पार्टनर विड्रॉन रुपीज 1000 पर क्वार्टर एट द एंड 1000 पर क्वार्टर एट द एंड Find IOD at 6% per annum. Find IOD at 6% per annum. करें जल्दी से करें शाबाश 1000 रुपए पर क्वार्टर चला है साल में 12 क्वार्टर होते हैं याद रखना साल में कितने क्वार्टर होते हैं 12 क्वार्टर है ना
तो 1000 × 12 करेंगे तो 12000 टोटल ड्रॉइंग्स आएगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैं सही कह रहा हूँ। बहुत अच्छे, टोटल ड्रॉइंग्स आएंगी 12000 रुपए। क्यों तंबी? 12000 रुपए? नहीं बेटा नहीं, 1000 × 4 करेंगे। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं बेटा। बोतल में पता है कितने क्वार्टर होते हैं? साल में नहीं याद कितने क्वार्टर होते हैं, साल में भी 4 ही क्वार्टर होते हैं। तो 1000 × 4 करो, 4 करो बेटा, 12 चार। हाँ, तो अगर आपने 4 किया है तो आपकी टोटल ड्रॉइंग हो गई 1000 × 4 = 4000, और IOD हो गया 4000 × rate upon 100 बेटा, 6/100 × beginning end of the quarter है तो 4.5/12 90 रुपए आ गए क्या? ये आपका IOD आ गया, ठीक है, got it? एक प्रोडक्ट मेथड से करो फटाफट, शाबाश। हरी विड्रॉन ऑन फॉलोइंग डेट्स, हरी विड्रॉन ऑन फॉलोइंग डेट्स। February 1, 5000. April 30, 6000. August 31, 4000. October 31, 2000. January 1, 7000. March 31, 5000. IOD निकालना है @12% per annum for the year ending 31/3/2021. 31/3/2021 के लिए आपको IOD निकालना है। 31/3/2021 के लिए आपने IOD निकालना है using which method? Product method. तो product method होगा तो आपको multiply करना पड़ेगा कितने महीनों के लिए, जितने महीने के लिए drawing हुई है उतने महीने के लिए आपको multiply करना है। बेटा February 1 वाली drawing, जो February 1 को drawing हुई है वो कितने महीने के लिए हुई? Up to 31st March. कितने महीने हो गए? 14 महीने आया नहीं, मगर ये हमारे साल से बाहर हो जाएगी क्योंकि हमारा साल 31 मार्च को अगर खत्म हो रहा है तो अप्रैल 1 से शुरू होगा ना। अगर साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है तो कब शुरू होगा? अप्रैल 1। तो अप्रैल से मार्च तक की ड्राइंग्स काउंट करूंगा ना, फरवरी वाले क्यों काउंट करूंगा, राइट? फरवरी पिछला वाला साल, तो इस वाले साल में फरवरी आ जाएगा तो चलेगा, कि पिछला वाला साल था फरवरी। हाँ, तो ये हो जाएगा कितना? 11 से मल्टीप्लाई, तो 6000 × 11 66। ये कितने से मल्टीप्लाई होगा? 7 अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 28000, ये 5 10000, ये 3 21000, ये 0 0, ये हो गया 6, 8, 14 और 1, 15, 1 और 6, 7 और 9, 10, 12, 125000 ये टोटल प्रोडक्ट आ गया इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12, तो 1250 आपका IOD आया। यहाँ पर बेटा मैंने आपके साथ गेम खेली थी, जो बच्चा ये गेम नहीं खेल पाया वो फंस जाएगा बच्चे, ठीक है? यहाँ पर मैंने आपके साथ गेम खेली थी, याद आया? आपने दो मेथड का एग्जांपल किया बेटा, टोटल प्रोडक्ट मेथड और शॉर्टकट या फिर एवरेज पीरियड मेथड। एक बात मेरे से सुनिए, यहाँ पर कई बार आपको बोला होता है, जैसे एक एग्जांपल लिखो बच्चे, राइट डाउन एन एग्जांपल। मोहनदास विड्रॉन ₹24,000 ड्यूरिंग द ईयर
Mohandas withdrawn 24,000 during the year. Calculate IOD at 6% per annum. Calculate IOD at 6% per annum. हाँ जी, हमें आईओडी निकालना है कितना, 6% पर एनम के हिसाब से आईओडी निकालना है बेटा, 6% पर एनम के हिसाब से आईओडी निकालना है। मगर उसने ये नहीं बताया कि ड्राइंग्स कब हुई हैं, जब ड्राइंग्स के बारे में नहीं बोला तो हमें ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स के लिए आईओडी निकालना है। तो 24,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 एंड ही डज नॉट से कि ड्राइंग्स कब हुई, तो हमें कितने महीने के लिए निकालना है, 6 मंथ्स। याद रहेगा, एक एग्जांपल और लिखिए। चरणदास विड्रॉन ₹48,000 ड्यूरिंग द ईयर, Equally every month. Calculate IOD at 6% per annum. Equally every month. Calculate IOD at 6% per annum. आप 48,000 draw कर रहे हैं और 12 महीने हर महीने equally draw कर रहे हैं। यानी ये तो तय हो गया कि हर महीने उसने ₹4,000 withdraw कर रहे हैं। बेटा ये तो तय हो गया कि हर महीने उसने कितने विड्रॉ करे हैं, ₹4,000 विड्रॉ करे हैं। अगर हर महीने 4,000 विड्रॉ करे हैं, लेकिन कब करे हैं, जब ना मेंशन्ड हो तो हम मिडल लेकर इसमें भी वही करेंगे, 48,000 इनटू 6/100 इनटू 6/12। ऑन एन एवरेज हम 6 मंथ्स के लिए आईओडी निकालेंगे, जब वो ये बताना भूल जाए कि ड्रॉइंग कब हुई हो। या तो तू बता भाई, या तो तू बता दे ड्राइंग कब हुई, हम उसके हिसाब से ड्राइंग निकाल देंगे। लेकिन अगर तू नहीं बताता तो फिर हम अपने हिसाब से चलेंगे, और हमारा हिसाब है ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स। इज दैट ओके? गेटिंग इट? अगला क्वेश्चन लिखिए। राजू विड्रॉन ₹20,000 ऑन 1st August 2021. Calculate IOD at 6% per annum. Calculate IOD at 6% per annum for the year ending 31st March 2022. क्या करोगे बेटा? क्या करोगे? इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब ये सिंपल चीज आ जाती है तो आप घबरा जाते हो। बेटा उसने डेट दी आपको पक्की, अगस्त वन सी है, अगस्त वन टू मार्च 31। टाइम गिन लो बेटा, अगस्त वन से मार्च 31 के कितने महीने हो गए, 8 महीने। तो आईओडी निकालेंगे हम, कितनी ड्रॉइंग है, 20,000 इंटू 6/100 इंटू 8/12। बस दैट्स इट, सिंपल है। जब उसने देखो, मैंने अभी आपको ना थोड़ा सा, हम कभी कभी लूप में फंस जाते हैं। मैंने आपको कहा, दो बार कहा कि जब कुछ ना दिया हो तो 6 महीने का आईओडी निकाल लो। अब जैसे ही मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन दिया, आप लूप से बाहर नहीं, आपको लगा इसमें 6 महीने लगा। लेकिन इसमें डेट दी हुई है यार, वो कब लगाना है, जब डेट ना दी हो। पिछले दो क्वेश्चंस में जब मैंने आपसे 6 मंथ्स लगवाया, तब उसमें डेट नहीं दी थी कि ड्राइंग्स कब करी, इसमें तो डेट दी हुई है क्लियरली। तो वहां भी ना क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग, आप मेरा विश्वास करिए, मैं भी अगर क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा तो मैं ऐसा सीक्वेंस रखूंगा जहां आप 2 या 3 क्वेश्चन पढ़ पढ़ के उसके लूप में घुस जाएंगे, और आप चौथे क्वेश्चन को चौथे क्वेश्चन की तरह नहीं समझेंगे, आप पहले के 3 के लूप से बाहर नहीं आए होंगे। Every question you need to understand differently. Please keep this in mind. मैं आपको बता रहा हूँ, MCQs के time पे होता है। हम MCQs में इतना fast सोच रहे होते हैं और हम इतना loop में घुस जाते हैं कि हम loop से बाहर नहीं आ पाते। Loop समझते हैं? एक ही तरह की सोच में घूम रहे हैं। छोड़ दीजिए। For every question, think afresh.
आप फ्रेश सोचिए, छोड़ दीजिए पिछले क्वेश्चन से, क्योंकि हमें एक और आदत होती है, हमें एक साथ क्वेश्चन दिए हुए हैं तो हमें लगता है एक ही चैप्टर के क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो हमारा माइंड भी वही सेट होता है। लेकिन वहां तो हो सकता है एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो और अगला कैश फ्लो का हो, तो रिटायरमेंट के दो क्वेश्चन हो तो एक क्वेश्चन अलग और दूसरा क्वेश्चन अलग हो सकता है, ये लूप में मत चले जाना, इसलिए तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया। मैं अगला टॉपिक जो आपको चलाने जा रहा हूँ उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, कब बनाते हैं, बेटा नाम ही समझ आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस व्हाट एप्रोप्रिएशन, कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको बांटना है, एप्रोप्रिएट करना मतलब बांट दो, पार्टनर में डिवाइड कर दो, किसको बांटोगे, प्रॉफिट लॉस को बांटने के लिए जगह ठीक नहीं होगी, ध्यान रखना, अगर लॉस होगा तो एप्रोप्रिएशन नहीं देंगे, यही आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा वो कंसेप्ट। अगर आपके पास प्रॉफिट है और एडिक्वेट प्रॉफिट है तो यहाँ जो एप्रोप्रिएशन जा रही है सैलरी के नाम से, आईओसी के नाम से, कमीशन के नाम से, ये आप दीजिए। अगर आपके पास यहाँ पर नेट प्रॉफिट सफिशिएंट है, अगर नेट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो ये देने की जरूरत नहीं है, जब तक क्वेश्चन ना बोले कि नहीं दे दो, अगर लॉस होता है तब भी दे दो, अगर नहीं है प्रॉफिट तो आप मत दो। पार्टनर से एक चीज लेनी है वो है आई ओ डी, वो यहाँ पर अभी बहुत सारी चीजें हैं इस अकाउंट के बारे में आपको समझाने के लिए, ध्यान से सुनिए। टू ट्रांसफर रिजर्व, ठीक है, कुछ पैसा आप रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहते हैं यहाँ से करेंगे, ये वाली साइड टोटल करके उसमें ये साइड माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, इज दैट ओके, गॉट इट। अब यहाँ पर आपको एक दो चीजें मुझे बतानी है, यहाँ पर उसने बोला ट्रांसफर टू रिजर्व ऑफ नेट प्रॉफिट, तो आप इस प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट का जितना परसेंट वो बोल रहा है ट्रांसफर करें, यहाँ पर नेट प्रॉफिट की जगह बोलता है डिविजिबल प्रॉफिट, भैया रिजर्व में कितना ट्रांसफर करो 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, बेटा डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा दिस साइड माइनस दिस साइड, अगर इन दोनों का टोटल 10 रुपए है, इन तीनों का टोटल 8 रुपए है, तो डिविजिबल प्रॉफिट आपका 2 रुपए, नेट प्रॉफिट 10 सॉरी नेट ये है 7 और ये 3, अगर नेट प्रॉफिट बोला तो 7 रुपए और डिविजिबल प्रॉफिट बोला तो 2 रुपए, एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है आपको, उसने क्या बोला ये ध्यान रखना, ठीक है, उसने क्या बोला ये ध्यान रखना, अगर नेट प्रॉफिट बोला है तो ये वाला प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट बोला है तो दिस प्लस दिस माइनस दिस ये बचते हैं 2 रुपए, 2 रुपए का रिजर्व में ट्रांसफर करना, ये एक बात थी नेट प्रॉफिट वर्सेस डिविजिबल प्रॉफिट। एक बात यहाँ पर आती है, आपको मैंने बचपन में भी सिखाई है एमआरआई रूल, एमआरआई रूल क्या होता है, एम स्टैंड्स फॉर मैनेजर रेम्यूनरेशन, एम स्टैंड्स फॉर मैनेजर रेम्यूनरेशन, आर स्टैंड्स फॉर रेंट टू पार्टनर, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, अगर पार्टनर को कोई भी ऐसी चीज देनी है जो पार्टनर की कैपेसिटी में नहीं देनी, वो सब चीजें यहां से माइनस हो जाएगी, मैनेजर की रेम्यूनरेशन है, मैनेजर को सैलरी कमीशन कुछ भी देना है वो पहले यहां से माइनस हो, अगर आपने रेंट टू अ पार्टनर देना क्योंकि पार्टनर ने कोई जगह आपको अपनी जगह कोई किराए पे दी हुई है फर्म को तो रेंट देना है माइनस करिए, पार्टनर ने आपको लोन दिया हुआ है उस पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो माइनस करिए, तो आपको यहां से नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस कर लेना है एमआरआई, और ये एमआरआई जो होता है ये प्रॉफिट पे चार्ज होता है, चार्ज माने देना ही है, ये एप्रोप्रिएशन होती है अनलेस एंड अनटिल सेड अदरवाइज, ये हमेशा चार्ज होते हैं, इनके लिए अगर वो कह दे कि भैया ये जो है आपको चार्ज है ये देना ही है तो फिर दो, तो फिर लॉस भी होता है तो अदरवाइज ये नहीं। मान लीजिए एक एग्जांपल आपको देता हूं, आपका नेट प्रॉफिट है यहाँ पर, नेट प्रॉफिट है 50 रुपए, आपका टू सैलरी है
₹40 और टू IOC है 15-25 रुपए सर। अब आपके पास ये टोटल कितना बनता है 65 और ये कितना बनता है 50 प्रॉफिट है और 65 की अप्रोप्रिएशंस है। आपके पास प्रॉफिट है ही नहीं देने के लिए, तो आप यहाँ कितना देंगे इसी 50 को इस रेशियो में बांट। कौन सी रेशियो में? अप्रोप्रिएशंस की रेशियो में। एक एग्जांपल कराऊंगा इस बात को समझाने के लिए। लिखिए ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2 A and B sharing profits in 3:2 having capitals of 2 lakh rupees and 1 lakh. Having capitals of 2 lakh and 1 lakh. Net profit during the year is 50,000. IOC 10% per annum. IOC 10% per annum. Salary 12,000 to A, 12,000 to B. Prepare P&L appropriation. कुछ नहीं लिखा, आप क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट कितना 50,000। कितना लिखोगे 50,000। यहां पर क्या लिखोगे टू सैलरी आईओसी, मगर आपके पास रफ पे आपको एक बार देख लेना है। सुनो यहां पर ध्यान से सुनो, सैलरी ए और बी कितनी कितनी देनी है 12,000। आईओसी कितना देना है 20,000 और 10,000 हाँ बेटे, तो टोटल देना है 32,000 और 22,000। 32 और 22 तो 54 बन गए, 54 तो हमारे पास है ही नहीं है ना। 32 और 22 कितने बन गए 54 है आपके पास, 54,000 रुपए देने हैं, 54,000 है ही नहीं। तो आप क्या करोगे 32:22 16:11 में यहाँ पर टू appropriations या फिर profits के नाम पर A और B में 50,000 को 16/27 50,000 को 11/27। रेशो थोड़ी सी अब्रप्ट है, आपकी फिगर्स एग्जैक्ट नहीं आएंगी, जो भी है आप इस तरह से हम करेंगे अगर ये चार्ज नहीं है तो। सिर्फ आईओसी होता है तो आप उसको कैपिटल रेशो में बांट देते हो, तो आपको पता नहीं चलता कि आपने आईओसी की रेशो में बांटा है कि कैपिटल रेशो में बांटा है। ठीक है, जब सिर्फ क्वेश्चन ना एक्चुअली जो आपकी किताबें हैं टीएस ग्रेवाल वगैरह उसमें सिर्फ आईओसी ही ये एज अ चार्ज एज एन अप्रोप्रिएशन के बारे में जिक्र, इसलिए आपको पता नहीं चलता। याद आया? तो अगर अप्रोप्रिएशन है तो आप इतना ही बांटेंगे, और अगर ये चार्ज होता तो क्या करते यहां पर बाय नेट प्रॉफिट टू आईओसी देते आप पूरा 30,000 और टू सैलरी देते आप 24,000 ए बी। तो यहां पर आ जाता बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ए और बी को आप 4,000 रुपए का लॉस बांटते थे अपनी रेशियो। अगर ये क्या होता, अगर ये चार्ज होता तो हमें देना जरूरी है। ये भी मैंने देखा है कि ये काम भी फिर कुछ किताबें पीएनएल अप्रोप्रिएशन की जगह पीएनएल में कर देती है,
कि भाई लॉस हमें एप्रोप्रिएशन में नहीं होता। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके चैप्टर में, उसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स किसको कहते हैं, एक बार याद दिलाता हूं आपको। आपने प्रॉफिट बांट दिया और प्रॉफिट बांटने के बाद पता चला ओ आईओसी भी नहीं भूली, ओ इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल अलग रेट पे दे दिया। तो ये गलतियां होती है। एक एग्जांपल लिखिए इसका पास्ट एडजस्टमेंट का, आई विल एक्सप्लेन थ्रू एडजस्टमेंट टेबल। एक एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू आपको समझाऊंगा। लिखिए ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:2:1, ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:2:1 Having capitals of 2 lakh, 2 lakh, and 1 lakh, 3:1 3 lakh, 2 lakh, and 1 lakh, 3 lakh, 2 lakh, and 1 lakh. During the year, they earned a profit of 1,20,000. They earned a profit of 1,20,000. But after closing the accounts, they earned a profit of 1,20,000. But after closing the accounts, they realized that IOC at the rate 10% per annum salary to a rupees 24,000 to be 12,000, commission to C rupees 6,000 were omitted. They also omitted interest on drawings rupees 1,000 each, and the profit was distributed equally. हम सब कुछ भूल गए, और सब कुछ भूलने के साथ साथ हमने एक पाप और किया, वो ये कि हमने प्रॉफिट जो है वो इक्वली पा लिया। आइए इसको ठीक करना बताओ। इसका हमें एडजस्टमेंट टेबल ये रफ में बना लेना वहां पर, क्योंकि जब इतनी सारी ओमिशंस होंगी तो फिर बिना टेबल के नहीं होगा। गलतियां बहुत सारी हैं। तो आपको कितने कॉलम बनाने होते हैं, जितने पार्टनर हैं उनसे एक एक, ए बी सी और फर्म, फिर इनको बीच में से डिवाइड करते हैं। डेबिट क्रेडिट। वहां पर बेटा आप रफ बनाना जितना रफ बना सकते हो, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आपने क्या करना है, जो प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है वो वापस ले, जो प्रॉफिट आपने ऑलरेडी दे दिया है वो वापस ले लो। वापस लेकर फर्म को दे दो। कितना प्रॉफिट है, 1,20,000 रुपए। 1,20,000 फर्म को क्रेडिट करो। कितना प्रॉफिट क्रेडिट कर दो बेटा, 1,20,000। और उस 1,20,000 को हमने कैसे गलती से बांट दिया प्रसाद, इक्वली बांट दिया है ना। क्वेश्चन क्लास में रहो बेटा। 1,20,000 को हमने कैसे बांट दिया, इक्वली बांट दिया है। तो यानी तीनों को 40,000 बांट दिया वापस, तीनों को 40,000 जो बांटे हैं वो वापस। पार्टनर्स में जो प्रॉफिट हमने इक्वली बांट दिया है वो वापस आप ले लो। अब जो देना है वो दो। क्या देना है, आईओसी टू बी गिवन। कितनी किस फीम, 3,00,000, 2,00,000, 1,10,000% है। तो 30,000, 20,000, और 10,000 ये फर्म में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि तो फर्म में ये पार्टनर को देना है। तो पार्टनर तो क्रेडिट हो गए लेकिन फर्म डेबिट हो गई, ठीक है। फिर सैलरी देनी है। किसको देनी है सैलरी, ए को। कितनी देनी है, 24,000 ए को और 12,000 बी को। तो 36,000 रुपए फर्म से। कमीशन देनी है सी को,
कितनी 6000 6000 कमीशन सी को देके फॉर्म होगी 6000 आईओडी पार्टनर से लेना है तो पार्टनर डेबिट होंगे आईओडी के लिए 1000 और फर्म क्रेडिट हो जाएगी 3000। अब इधर रफ में अगर आप देखना तो फर्म के पास 1,23,000 रुपए क्रेडिट में है और डेबिट में है 1,02,000 तो तकरीबन कुछ हजार रुपए बच गए। कितने 21,000 रुपए बच गए। हाँ बेटा क्योंकि मुझे फर्म को तो इक्वल करना है, फर्म का टोटल हमेशा बराबर होना चाहिए। इधर 123 था और इधर है 60 और 36 देखो मान लो ये वाला हिस्सा क्या है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, क्रेडिट साइड पे नेट प्रॉफिट होता और आईओडी होता और डेबिट में ये तीनों चीजें होती तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने के बाद 21,000 रुपए बच जाता। मैं प्रॉफिट डिवाइड करता प्रॉफिट टू बी गिवन, ये प्रॉफिट जो मुझे देना है कौन सी रेशियो में 2:1 एक्चुअल रेशियो क्या है बेटा 2:1 है तो 2:1 में मैं 21,000 रुपए को अपने बांट देता तो मेरे पास आ जाता 8,400 यहां पर आपके पास टोटल आ जाता 41,000 और यहाँ आ जाता 54,800 ये हो जाता 21,400 क्रेडिट, ये हो जाता 41,000 और 32,48,400 डेबिट और ये हो जाता 41,000 16,20,200 डेबिट बचता आपके पास बी और सी और क्रेडिट बच जाता ए, डेबिट बचता बी और सी क्रेडिट बच जाता ए। हाँ या नहीं बोलो बेटा। आइजा चाचू क्या तो हमें साथ में कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं। याद आ रहा है आपको? हाँ पक्का पक्का। एक छोटा सा टॉपिक मुझे गारंटी का याद आता है, आपको याद आ रहा है गारंटी में क्या होता है? एक पार्टनर को या दो पार्टनर को कोई गारंटी देता है और उसको जो गारंटी देता है बाकियों को अपने प्रॉफिट में से निकाल के देना पड़ता है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट से 5:3:2 A, B, C sharing profits and 5:3:2 having capitals of 2 lakh, 1 lakh and 1 lakh, 2 lakh, 1 lakh, 1 lakh. They had given a guarantee of minimum 20,000 of profit, 21,000, minimum 21,000 of profit to see. Loss during the year is ₹40,000. Loss during the year is ₹40,000. हमने गारंटी दी है, मैंने बिल्कुल टेढ़ा ही क्वेश्चन उठा लिया। गारंटी का भी जिसमें दिमाग लगना चाहिए वो उठा लिया।
हमने गारंटी दी है किसको प्रॉफिट की, सी को, कितनी 21,000। गारंटी तो तब पूरी करोगे जब 21,000 प्रॉफिट होगा, यहाँ तो प्रॉफिट है ही नहीं, हम तो लॉस में चल रहे। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस दिखाएंगे। हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ये काम नहीं करेंगे क्योंकि लॉस है उसमें बांटना नहीं, और पीएनएल में भी बांट के नहीं दिखाना। आपने वैसे भी एमसीक्यूज में तो कुछ करना नहीं है, आपने ए बी सी पहले तो लॉस बांट, लॉस कितना है 40, 2:1:1 में बांटूंगा तो 20,000 इसका लॉस है, 10,000 इसका लॉस है और 10,000 इसका। हाँ जी 5, 5, 5, 3, 2 है ये 2:1:1 है। 5, 3, 2 में बांट देते हैं, 10, 20,000 इसका हो गया और 12,000 इसका हो गया और 8,000 इसका। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी बोलो। ठीक है सर, आप गारंटी उसको 21 की जगह 22 कर दो, 21 की जगह 22 कर दो। 22 करते हैं, हमने इसको प्लस 22 पे ला दिया, हमको रिजल्ट इसका प्लस 22 चाहिए। तो बेटा कितना चाहिए? प्लस 22 चाहिए। अगर प्लस 22 चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको प्लस करना पड़ेगा कितना, 30,000 प्लस करूंगा तब जाकर ये प्लस 22 पे पहुंचेगा ना। मुझे इसका एंड रिजल्ट सी का 22,000 मिनिमम प्रॉफिट चाहिए भाई। 22 पे लाऊंगा कैसे, माइनस 8 से प्लस 22 पर लाने के लिए प्लस 30,000 रुपए करने पड़ेंगे। ये 30,000 रुपए इसमें माइनस होंगे ए और बी की, कौन सी रेशियो, 5:5:3 में ए और बी में माइनस होंगे तो इसमें प्लस होंगे 18,750। तो यानी ये माइनस हो जाएंगे माइनस 38,750 पे होगा ये, और ये होगा माइनस 23,250। इन दोनों का लॉस बढ़ जाएगा और उसका प्रॉफिट आ जाएगा जहां पर आना चाहिए, उसका प्रॉफिट कहां पर आ गया, 22 का। तो बेटा लॉस में भी अगर किसी को गारंटी दे रहे हो तो अपना लॉस बढ़ाओ फिर, और कोई तरीका ही नहीं है। अगर लॉस में आप किसी को गारंटी दे रहे हो तो उसमें अपना लॉस बढ़ाओगे और क्या ही करोगे। ओके गेटिंग इट ऑनलाइनर्स?